उसके अंदर हमारा ये अपील रहेगी यात्रियों से कि जो 31 तारीख को आ रहे हैं, जो जिस जिस समय पे वो भवन पे पहुंचते हैं उस समय पे वो दर्शन करें और वापस आएं, क्योंकि जो हमारा लास्ट पोर्शन ऑफ द ट्रैक है वहां पर किसी के रुकने की कोई गुंजाइश नहीं। तो हमारी बोर्ड की तरफ से हमेशा यही अपील रहेगी कि जितनी भी कोविड रिलेटेड एडवाइजरीज हैं, खास करके मास्क पहनने की, साफ सफाई रखने की और थोड़ी सी सामाजिक दूरी जिसको सोशल डिस्टेंसिंग हम कहते हैं वो बनाए रखने की यात्री कोशिश कर रहे हैं, उनपे हेलीपैड पे शुरू कर रहे हैं ताकि लोग खुद ही अपनी डिटेल्स पंच इन करके और फोटो कैप्चर के जरिए अपना कार्ड इशू करवा कर अपनी यात्रा शुरू कर सकें। RFID कार्ड के अंदर भी एक 31 दिसंबर खासकर के लिए एक स्पेशल स्टिकर जो है बोर्ड की तरफ से रहेगा ताकि हम स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर सकें एक एक यात्री। डेडिकेटेड रजिस्ट्रेशन काउंटर हम रेलवे स्टेशन पर ही दें ताकि यात्रियों को एक RFID रजिस्ट्रेशन कार्ड वहीं पर। जय माता दी, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप भी श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार आगामी 31 दिसंबर साथ ही साथ 1 जनवरी को जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सब तो जानते हैं कि हम कोई भी अगर वीडियो लेकर आते हैं तो उसमें कुछ नया ऑथेंटिक इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। हम ऐसा तो करते नहीं कि वीडियो के थंबनेल में लिख दिया नई गाइडलाइन और अंदर वीडियो में किसी प्रकार से कोई भी नई गाइडलाइन का जिक्र ही ना हो, जैसा कि इस समय सभी सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप सबको बता दें कि कल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कुछ नई जानकारी उन्होंने साझा की, कुछ नई गाइडलाइन के बारे में बताया जो कि इस वीडियो में हम आप सबसे शेयर करने वाले हैं और आगामी 31 दिसंबर साथ ही साथ 1 जनवरी को वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो आप सभी भक्त ध्यान पूर्वक इस वीडियो को पूरा देखने के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं तक शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, हमने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाया है नए साल पर आपको यात्रा करना है तो कैसे करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें। कल अपलोड भी कर दिया था, होता है ना कि अच्छी वीडियोस को बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन आप सब एक बार जाकर देख लीजिएगा, आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं RFID कार्ड की। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में RFID कार्ड से जुड़ी काफ़ी नई जानकारी भी साझा की। हमने आपसे पहले ये जानकारी साझा की थी कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं वेबसाइट के थ्रू RFID कार्ड के लिए तो आपको कचरा में ज़्यादा लंबी कतारों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा ही कुछ बेनिफिट श्रद्धालु को मिलने वाला है जो RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा के आने वाले हैं। श्रद्धालु उनके लिए एक्स्ट्रा काउंटर पर विंडोज़ बनाए जाएंगे, ऑनलाइन वालों के लिए अलग से एक्स्ट्रा काउंटर्स रहेगा जिसमें अलग अलग प्रकार के विंडोज़ रहेंगे जहाँ पर आप जाकर आराम से RFID कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ 39 एक्स्ट्रा काउंटर्स बनाए जाएंगे ऑफलाइन वाले श्रद्धालुओं को भी, जिससे कि ज़्यादा समय का सामना श्रद्धालु को नहीं करना पड़ेगा, कम समय में ही वो RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इस बार स्टिकर्स का नया रूल इम्प्लीमेंट होगा, यानी अगर आप RFID कार्ड जिस डेट का ले रहे हैं उसके पीछे एक स्टिकर लगेगा उस डेट का। जैसे मान लीजिए अगर आप 31 दिसंबर का RFID कार्ड ले रहे हैं तो आपको RFID कार्ड के पीछे 31 दिसंबर का स्टिकर देखने को मिल जाएगा, जिससे ये होगा कि श्रद्धालु जैसे दर्शन के लिए जाएंगे तो उन्हें आगे जो है अनुमति मिल जाएगी और उन्हें भवन पर रुकने की अनुमति नहीं रहेगी, उन्हें दर्शन करके वापस नीचे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 31 को लेके आप चले जाएंगे और 2 तारीख को नीचे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली से RFID कार्ड चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि RFID कार्ड का एक टाइमलाइन रहेगा, यानी कार्ड लेने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका कार्ड एक्सपायर हो जाएगा और फिर आपको आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अगर संख्या बढ़ता है तो RFID कार्ड रजिस्ट्रेशन काउंटर को भी कुछ देर के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस बात का भी खास ख्याल रखिएगा कि जल्दी से जल्दी RFID कार्ड लेकर अपनी यात्रा शुरू कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बात करते हैं कोविड गाइडलाइन की। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि अभी फिर से कुछ कोविड के केसेस आ रहे हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्री अंशुल गर्ग जी ने मीडिया से बात करते हुए श्रद्धालुओं से भी अपील किया है कि जो भी कोविड्स के गाइडलाइन है, जैसे मास्क लगाना, डिस्टेंस इम्प्लीमेंट करना या फिर जो है आपका सेफ्टी का ध्यान रखना, हैंड वॉश करना, इन सभी चीज़ों को फॉलोअप करते हुए यात्रा पर आएँ। और ऐसा कोई स्ट्रिक्टली गाइडलाइन तो जारी नहीं किया गया, उन्होंने सिर्फ अपील किया है, तो आप सब ज़रूर से मास्क यूज़ करिएगा और दूरी बनाकर ही
यात्रा करिएगा, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अब अगर बात की जाए यात्रा मैनेजमेंट की, तो आपको बता दें कि इस बार एक नया चीज इंप्लीमेंट किया गया है। जैसे ही आप स्काई वॉक से एंट्री करते हैं दर्शन के लिए, फिर आप दर्शन करके दूसरे रास्ते से वापस आएंगे। बीच में आप कहीं पर भी रुक नहीं सकते, किसी का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जो है कहीं पर किसी को रुकने की या वेट करने की इजाजत नहीं रहेगी। आप दर्शन करिए, वापस आप रिटर्न दूसरे रास्ते से चले आइए, और या तो आप कटरा शहर की ओर प्रस्थान करिए हिमकोटी मार्ग से, या फिर आप भैरव बाबा के दर्शन करके आगे सांझी छत मार्ग से होते हुए अर्धकुआरी होते हुए आप नीचे कटरा आ जाइए। आपको रुकने की अनुमति नहीं मिलेगी। जिनका भी ऑनलाइन एडवांस बुकिंग होगा उनको ही वहां पर रुकने की अनुमति रहेगी, जिनका बुकिंग नहीं होगा उन्हें ज्यादा वहां पर रुकने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ इस बार अलग अलग एरिया में होल्डिंग एरिया बनाया गया, यानी कुछ श्रद्धालुओं को कहीं कहीं जगह पर रोका भी जाएगा, जैसे कि अर्धकुआरी हुआ, आपका सांझी छत हुआ, आपका भवन हुआ, उस हिसाब से जैसे कि यात्रा मैनेजमेंट चल रहा है, यात्रियों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ेगी या जिस हिसाब से डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, वैसे ही उनको उस जगह पर होल्ड किया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, ताकि किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। इसके साथ साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री अंशुल गर्ग जी ने लोगों से ये भी अपील किया है कि वो सेम डे में जाएं, यात्रा करें और वापस कटरा शहर आ जाएं, और जितने भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो अप करते हुए यात्रा करें, ताकि उन्हें भी दिक्कत ना हो और आने वाले श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ आप सबको बता दें कि इस बार यात्रा के लिए काफ़ी नए नए इंतजाम किए गए हैं, कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें चेंज की गई हैं। वहाँ पर काफ़ी अलग अलग तरीके से सीसीटीवी कैमरे से सिक्योरिटी होंगी, ड्रोन से सिक्योरिटी किया जाएगा, हर जगह की हर मैनेजमेंट उनके कंट्रोल में होंगी। और आप सबके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को 24 घंटे किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम होने पर कॉल करिए, इनसे जानकारी प्राप्त करिए, या किसी प्रकार से कोई इमरजेंसी है तो आप इस पर कॉल करके इमरजेंसी का सिचुएशन उनसे शेयर कर सकते हैं। काफ़ी नई नई चीज़ें इन्होंने इस बार इम्प्लीमेंट किया है। इसके साथ साथ इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बहुत जल्द जो है रेलवे स्टेशन पर कुछ नया एक्स्ट्रा यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया जाएगा, जिससे कि जो यात्री बाई ट्रेन आ रहे हैं वो सेम टाइम में RFID कार्ड जाकर रजिस्ट्रेशन काउंटर से प्राप्त कर ले। साथ ही साथ वैष्णवी भवन भी बन रहा है भवन पर, जो कि बहुत जल्दी बनने के लिए उम्मीद जताया जा रहा है। जैसे दुर्गा भवन बन रहा था वैसे ही वैष्णवी भवन भी शुरू हो गया है बनना, और इनकी अप्रूवल भी मिल चुकी है, तो बहुत जल्द वो भी तैयार हो जाएगा जिसमें कि श्रद्धालु रुक सकते हैं। साथ ही साथ एक और नया बड़ा इनिशिएटिव श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा लिया जा रहा है, जो कि बहुत जल्द इंप्लीमेंट होने जा रहा है यात्रा पर, जिसमें कि सबसे पहले ये हेलीपैड पर इंप्लीमेंट होगा, जहां पर इन्होंने एक टेक RFID का टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एक ऐसा मशीन स्टेबल किया जाएगा, जिससे कि आप जाकर अपना फोटो कैप्चर कराएंगे और अपना डिटेल खुद से फिल करके खुद से आप RFID कार्ड प्राप्त कर लेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से उपयोग होगा और आप सबका टाइम भी बचेगा और बहुत आसानी से आप यात्रा कर सकते हैं। हालांकि अभी ये सभी चीज़ें ट्रायल पर शुरू होंगी और बहुत जल्दी यात्रा में इम्प्लीमेंट होंगी। जब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी तो हम आपको संपूर्ण जानकारी साझा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने दिव्यांगजन श्रद्धालुओं के लिए भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इन्होंने बताया कि निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग से काउंटर बनाया गया है दिव्यांगजन श्रद्धालुओं के लिए, जो कि 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी को आ रहे हैं, उनके लिए अलग एक्स्ट्रा जो है वो प्रायोरिटी दर्शन मिलेगा। अगर वो चाहें तो वो कॉल करके श्राइन बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर भी जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी सारी चीज़ें बता सकते हैं, उनको वहाँ से भी पूरी मदद की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने ग्रुप अटका आरती के बारे में भी जानकारी साझा कर दी है कि आने वाले 31 मार्च तक इसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं का काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है और श्रद्धालु इससे ज़्यादा जो है खुश हैं और लाभ लेकर माँ भगवती के पवित्र पावन अटका आरती में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ नई चीज़ें थी जो हमने आपसे साझा किया, एक तरीके से नई गाइडलाइन है 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए, जो हमें लगा कि आप सबसे साझा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक बार फिर से मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप सच्चे मन से माँ भगवती के दरबार जा रहे हैं, आपकी आस्था सच्ची है, आपका माता रानी के ऊपर भरोसा सच्चा है, तो माँ भगवती आपके ऊपर किसी प्रकार से कोई भी आँच नहीं आने देगी। आप जा ही इसलिए रहें कि आपका पूरा नया साल अच्छा गुजरे, इसीलिए भरोसा रखकर जाइए, माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगी और आपकी यात्रा को भी सफल बनाएंगी। सिर्फ आप पॉजिटिव वीडियो को देखिएगा, नेगेटिव वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा, किसी प्रकार से कोई भी नेगेटिव थॉट अपने मन में ना लाइएगा, ऐसी वीडियो को देखिएगा ही नहीं जिससे आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आए।
तो बस आप सबसे लास्ट अपील हमारी यही रहेगी, हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, बहुत अच्छी अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि आपको नए साल पर कैसे यात्रा करना है, क्या क्या लेकर जाना है, जिससे कि आपको यात्रा के दौरान किसी प्रकार से कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही नई ऑथेंटिक वीडियो में, जुड़े रहिए आपके प्यारे से YouTube चैनल एज वेल एज Facebook पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी। आजा माता रानी।